हमीरपुर जिला के टौणी देवी क्षेत्र में दर्जनों गांवों के लोग लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से पिछले चार दिनों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़क की कटिंग का मलबा जगह जगह फेंकने से मुख्य पाइपें कई जगह से बरसात के बाद टूट गई हैं, जिससे पीने के पानी की सप्लाई पूर्णतः ही ठप हो गई है। टौणी देवी से गवाडू सड़क पर इन दिनों सड़क को चौड़ा करने का काम चला हुआ है। सड़क की कटिंग के मलबे को जगह जगह फेंका जा रहा है, जिससे पीने के पानी की मुख्य पाइपें बरसात के कारण लहासे गिरने से कई जगह टूट गई हैं। बता दें कि सड़क की कटिंग के मलबे को मनमर्जी से फेंका जा रहा है तथा लोक निर्माण विभाग इस पर कोई रोक नहीं लगा पाया है। इससे पर्यावरण के साथ ही भूमि भी प्रभावित हो रही है। टौणी देवी के साथ ही क्षेत्र के गवाड़ू, लोहाकर, करसोक, कसवाड़, बाहल, झोकर, कालवा, टपरे, दरकोटी, छत्राल, ककड़ियार, नारसी, बारी, चाहट, सिसवा इत्यादि गाँवों में पिछले चार दिनों से पीने के पानी की सप्लाई पूर्णतः ठप है। टौणी देवी से बीडीसी व जिला शिकायत निवारण समिति की सदस्य प्रेमलता ठाकुर ने प्रमुखता से विभाग के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने आईपीएच विभाग से जल समस्या के समाधान की मांग की है, जिससे लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग से डंपिंग साइट चिन्हित करने की भी मांग की है तथा जगह जगह फेंके जा रहे मलबे की प्रक्रिया को बंद करने का आग्रह किया है। टौणी देवी के क्षेत्र में जो पानी की चार दिनों से समस्या आ रही है, लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उड़ क्षेत्र में जो सड़क का काम चला हुआ है, जिससे जो ऊपर से मलबा गिराया जा रहा है वो नीचे सीधा पाइपों के ऊपर गिर रहा है, जिससे पाइपें जो वो पूरी तरह टूट गई हैं। मैं विभाग से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि उन पाइपों को जल्द से जल्द जोड़ा जाए और पानी की सप्लाई जो तुरंत की जाए, जिससे लोगों को तुरंत राहत मिले। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले चार दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिस कारण लोगों को पीने के पानी के लिए यहां वहां भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द विभाग को इस बारे में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। टौणी देवी क्षेत्र के गांवों में चार दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इससे यहाँ के लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या का समाधान किया जाए, विभाग तुरंत करे और उड़ रोड पर जो कुटाई करवाई गई है, जिससे पाइपलाइन को जो नुकसान हुआ है उसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए और पीडब्ल्यूडी पे ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। उधर सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग बारी मंदिर अनुभाग के कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार का कहना है कि टौणी देवी से ग्वाडू मार्ग पर कई स्थानों पर पाइपें टूट गई हैं। बारिश के कारण इन्हें जोड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पेयजल समस्या को दूर किया जाएगा।